मुनफरिद रहमत यजदान की सौगात है दोस्त, है कहीं अब्र करम और कहीं बरसात है दोस्त, है बिसर चश्मे बसारत तो कभी हाथ है दोस्त, खौफ खाते हैं उदू जंग में गर साथ है दोस्त, बस बहादुर ही नहीं साहेब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त आजादार भी हो। बस बहादुर ही नहीं साहेब किरदार भी हो, कितना अच्छा है अगर दोस्त आजादार भी हो। अय्युहन नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्तिये ज़िस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। अरे दोस्ती पढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। अय्युह नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्तिये ज़िस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। दोस्ती बढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जत दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुष्नाम किया जाता है, रिश्ता दोस्ती बदनाम किया जाता है। अरे दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया ना करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया। अय्युह नास बुढ़ापे का सहारा है दोस्त, शब जुल्मत में उम्मीदों का सितारा है दोस्त, कश्तिये ज़िस्त का तूफान में किनारा है दोस्त, मिसल सोना है अगर भाई तो हीरा है दोस्त। दोस्ती पढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। नहजे बलागत कलमे के सार और बन सुनिए, दोस्ती पढ़ के कलेजे से लगा लेती है, रिश्तेदारी भी जहां हाथ छोड़ा लेती है। आज ये काम सरे आम किया जाता है, इज्जत दोस्त को नीलाम किया जाता है, पीठ पीछे उसे दुष्नाम किया जाता है, रिश्ता दोस्ती बदनाम किया जाता है। दोस्ती का ये दिखावा या दिखाया न करो, दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ मिलाया न करो। कौल मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो हबीब, उससे बदतर नहीं दुनिया में किसी का भी नसीब, अपने हाथों से जो खो देता है दीरी न रकीब। अरे दोस्ती में जो वफादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार नहीं। हाय
कौल मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो हबीब, उससे बदतर नहीं दुनिया में किसी का भी नसीब। अपने हाथों से जो खो देता है तीरी न रकीब, दोस्ती में जो वफादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए आजादार नहीं हो सकता। दोस्ती ऐसी जो ले जाए सुवे बाखे चिना, जो गुमराही की तरफ लेके जाए, जो गलत रास्ते पर लगा दे, वो दोस्ती नहीं है। दोस्ती ऐसी जो ले जाए सुवे बाखे चिना, मिसल खुशबू के नेहा रह के भी होती है आया। दोस्ती ऐसी के टूटे न सरे नो के सेना, मिसल खुशबू के नेहा रह के भी होती है आया। दोस्ती होती नहीं है कभी मोहताज जुबां, दोस्त सच्चे हो तो फिर साथ नहीं छूटता है, रिश्ते दोस्ती मर के भी नहीं टूटता। वक्त मुश्किल पे इमदाद जो आएंगे हबीब, दोस्ती का सही मेयार बताएंगे हबीब, वादा बचपन का बुढ़ापे में निभाएंगे हबीब, बेखबर सोए हुए जहन जगाएंगे हबीब। अरे दोस्त के साथ में किस तरह वफा होती है वही बतलाएंगे कि दोस्ती क्या होती है। वाह वाह वाह, सलामत रखें आप। इससे बेहतर दोस्ती का मफहूम नहीं हो सकता। आप तो सुन रहे हैं, आप अरे सुनिए, जब तक हमारे खुदा एक बार खड़े होकर दाद नहीं दे देंगे, जब मिस्रा इनके दिल तक पहुंचेगा तो देखना ये कैसे दाद देते हैं। देखिएगा वक्त वक्त मुश्किल पे इमदाद जो आएंगे हबीब। जिक्र इमाम हुसैन है और इमाम हुसैन नबी के दोष के सवार हैं, और अब नबी अगर मेराज पर हैं तो मोहरे नबूवत तो गया है ना, तो जिक्र हुसैन हो तो मेराज तक तो बात पहुंचना चाहिए। वक्त मुश्किल पे इमदाद जो आएंगे हबीब, दोस्ती का सही मेयार बताएंगे हबीब, वादा बचपन का बुढ़ापे में निभाएंगे हबीब, बेखबर सोए हुए जहन जगाएंगे हबीब। दोस्त के साथ में किस तरह वफा होती है वही बतलाएंगे कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती वो जो किताबों की कहानी बन जाए, दोस्ती वो के जो पाकीज़ा निशानी बन जाए, दोस्ती लफ्ज न रह जाए मानी बन जाए, दोस्ती खैज में आए तो जवानी बन जाए। जिंदगी इब्ने मज़ाहिर की बयां करती है, दोस्ती शह की बुढ़ापे को जवां करती है। दोस्ती शह से अगर हो तो ये पाती है मकाम, शुक्रिया इसका अदा करते हैं गुरबत में इमाम, इसने पाया है सरे कर्बो बला ये इनाम, इसके हिस्से में है शहजादी ज़ैनब का सलाम। वाह 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 वाह। दोस्ती शह से अगर हो तो ये पाती है मकाम, शुक्रिया इसका अदा करते हैं गुरबत में इमाम, इसने पाया है सरे कर्बला ये इनाम, इसके हिस्से में है शहजादी ज़ैनब का सलाम। अब कहां कौन समझ पाएगा अजमत इसकी, की है परदेश में ज़ैनब ने ज़ियाफ़त इसकी। दोस्ती जैसा कोई रिश्ता पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेज़े पे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी आगोश नहीं, दोस्ती को कभी करिएगा फरामोश नहीं। अरे तुर्बते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती। दो
दोस्ती जैसा कोई रिश्ता है पुरजोश नहीं, दोस्ती रहती है नेसे भी खामोश नहीं, दोस्ती जैसी कोई दूसरी या होश नहीं, दोस्ती को कभी करिए या फरामोश नहीं, तुरबते इब्ने मज़ाहिर से सदा आती है, दोस्ती शाह के सरहाने जगह पाती है, खून के रिश्तों से यह रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं। अरे फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त मातमी हलकों में खड़े होते हैं। आओ बतलाऊं तुम्हें आलमे अरवाह की बात, हम आजादार वहां रहते थे सब एक ही साथ, सब टहलते थे वहां डाले हुए हाथ में हाथ, आज क्या हो गया क्यों बदले हुए हैं हालात, हम भुला बैठे हैं माजी की कहानी अपनी, दोस्ती वरना तो है सदियों पुरानी अपनी, खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं, फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े होते हैं, ऐसे बन जाए आजादार आजादार के दोस्त जैसे मिकदाद मदीने में थे अम्मार के दोस्त। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं, फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े होते हैं, ऐसे बन जाए आजादार आजादार के दोस्त जैसे मिकदाद मदीने में थे अम्मार के दोस्त, जैसे मुख्तार रहे मी समेत मार के दोस्त, खुद हबीब इब्ने मज़ाहिर शहे अबरार के दोस्त, अरे इस तरह हक रिफाकत को अदा करके गए एक जा शाह पे दो बार फिदा करके। एक जा शाह पे दो बार फिदा करके गए, खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं, फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, तो जब मातमी हलकों में खड़े हो। जनाबे आपके बारे में क्या कहूं, मुसलसल में ये कलाम आपका सुन रहा हूं, और जब मैं करबला में था वहां पर भी मैंने सुना, जब आपने रायबरेली में पढ़ा, और जब भी आपके कलाम पढ़ते लगता है कि पहली बार सुन रहा हूं, यकीनन इसमें जो दोस्ती का जज्बा है जो हक है, मैं चाहूंगा मेराज साहब आप तशरीफ लाएं इस दोस्ती के, जाहिर है कि मेरे पास इतने अच्छे अल्फाज नहीं जितने अच्छे मेराज साहब बोल देंगे, क्योंकि दोस्ती के हवाले से जाहिर है कि हमारे सामने जो सबसे बड़ी मिसाल है दोस्ती की वो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर अलैहिस्सलाम है, और खुदा उनकी हमारे भाई की तौफीकात में इजाफा फरमाए, और यकीनन जहां पर भी ये कलाम पढ़ते हैं मोमिन की आंखें नम हो जाती हैं, जाहिर है तारीफ तो करते ही हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि इस कलाम को सुनने के बाद जिनके दिल में धड़कन है और उसमें जज्बात हैं, तो उनके दिल जो है उनकी आंखों में आंसू लाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। मेरा भाई जाहिर है जाहिर भाई मेरे पास उतने अच्छे अल्फाज नहीं जो मैं अपने भाई की तारीफ कर सकूं, बस यही कहूंगा खुदा इनको सलामत रखे और इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंदतर नारे सलवात। अगली बार मेरा भाई मैं इस उर्दू शायरी के दरमियान बहुत बड़े हमारे आलिम गुजरे हैं मुल्ला फैज काशानी, उन्होंने फारसी में चार मिसरे कहे हैं दोस्ती के हवाले से, उसका तर्जुमा कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगली महफिल में, उम्मीद है कि फाजिल भाई इस मफहूम को भी नज़्म करेंगे। वो कहते हैं तातवानी नी गुरीज़ अज़ यारे बद,
यारे बद बदतर बुआ दस मारे बद यारे बद मारे बद तनहा तुरा बरजान सनत यारे बद हम जानो हम ईमान सनत। तर्जुमा मैं पेश करता हूँ आपके सामने। मुल्ला फैज़ काशानी कहते हैं जहां तक मुमकिन हो बुरे दोस्त से बचो, जहां तक हो सके बुरे दोस्त से बचो। क्यों? इसलिए कि बुरा दोस्त सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। बुरा दोस्त सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो वजह बताते हैं कि बुरे दोस्त और सांप में फर्क क्या है। वो कहते हैं अगर सांप तुम्हें डस लेगा तो सिर्फ तुम्हारी जान जाएगी। सांप अगर डस लेगा तो सिर्फ तुम्हारी जान जाएगी। बुरा दोस्त अगर डस लेगा जान भी जाएगी ईमान भी जाएगा। दोस्ती से वाकई बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। जो जो मफाहीम इन्होंने नज़्म कर दिए हैं कि वाकई हबीब इब्ने मज़ाहिर ने दोस्ती के लिए दो बार जान दी है। और ये तारीख, बहरहाल हमारा नौजवान मजलिसों से दूर हो रहा है इसलिए तारीख से जरा दूर है तो शेर समझने में दूरी हो रही है। बहुत से मफाहीम नज़्म हो रहे हैं। एक मिसरा जो पूरे कलाम का मुझे सबसे अच्छा लगा जनाबे ज़ैनब का सलाम, उससे बेहतरीन कोई मिसरा नहीं था। लेकिन आप खामोश थे। आपकी खामोशियां इस बात की दलील है कि आप मजलिसों से दूर हैं। बुरा लगा हो तो मंजर चाहता हूँ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत, नारे हैदरी, नारे सलावत। समखरा शिकले मोहम्मद फाजिल साहब वही बंद फिर से पढ़िए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। एक मर्तबा हबीब इब्न मज़ाहिर बचपने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में शहीद हुए। छत से गिरे इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा दोस्त आएगा। एक और ये दूसरा वो मौका था करबला कि जब यजीद का लश्कर पे लश्कर आ रहा था तो सानिया जहरा शहजादी ज़ैनब अपने भाई के पास गई और जाकर कहने लगी भैया उधर लश्कर पे लश्कर आ रहा है, क्या कोई हमारा नहीं? तो जब मौला हुसैन ने ये फिक्रा अपनी बहन से सुना तो बर्जस्ता इमाम ने कहा देखिए दोस्ती होती क्या है। बर्जस्ता का है ना मेरा एक दोस्त। खत लिखा इमाम ने, जनाब हबीब के पास खत गया, आंखों से लगाया, बोसा दिया। हबीब इब्ने मज़ाहिर जब करबला आए और आने की खबर जब शहजादी को मिली कि मेरे भाई का दोस्त आया है तो खैमे में पानी भी नहीं था तो बीबी ने क्या कितने खूबसूरत अंदाज में ज़ियाफ़त की अपने भाई के दोस्त की कि उम्मा फिज़ा जाके हबीब से कह दो कि हमारे खैमे में पानी भी नहीं है जो हम उसकी ज़ियाफ़त कर सकें, अपने भाई के दोस्त की ज़ियाफ़त कर सकें। लेकिन ए भैया हुसैन, अपने दोस्त को अली की बड़ी बेटी ज़ैनब का सलाम कह दो कि सालम गुरबत में हक दोस्ती निभाने के लिए कर रहा। क़िबला ने कहा बुरे दोस्तों से बचिए, बेशक बचिए। मौला का फरमान है कि आप किसी से भी दोस्ती कर लीजिए, काफिर से कीजिए, मुशरिक से कीजिए, मुनाफिक से कीजिए, अपना किरदार जो है उसका असर उस तक पहुंचाइए। लेकिन मौलाने का सबसे दोस्ती करना पर कंजूस से मत करना। कंजूस की दोस्ती के लिए मौलाने मना किया है कि सबसे दोस्ती करना लेकिन कंजूस से दोस्ती मत करना। क्यों का कंजूस से दोस्ती इसलिए मत करना कि वो मशवरे में भी कंजूसी करेगा। और ये हदीस कुदसी है हल्लफल्लाहु बेइज्जतिही व जलालतिही व अज़मतिही। अल्लाह ने अपनी इज्जत की अपनी जलालत की कसम खा के कहा, तीन कसमें उठाने के बाद खुदा कह रहा है कि मैं अपना रिश्ता सखी से कभी तोड़ता नहीं और कंजूस से कभी रखता नहीं। तो अल्लाह भी अपना रिश्ता सखी अफराद से रखता है और कंजूस से नहीं रखता। और इसके अलावा एक और हदीस है कि अल सखाओ शजरतो फिल जन्ना, कि सखावत जन्नती दरख्त है, अल बुख्ल शजरतो फिल नार, और कंजूसी जो है वो जहन्नमी दरख्त है।
तो मासूम का फरमान है कि सखावत की शाख आप पकड़े रहेंगे तो जन्नत तक जाएंगे, और कंजूसी की शाख अगर आपने पकड़ ली तो वो रास्ता जहन्नम का रास्ता। तो सबसे दोस्ती कीजिएगा पर कंजूस से नहीं कीजिएगा, अमीर कायनात का कौन है। खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं। मैंने ये करबला से और मैंने एकदम सखावत और ये कंजूसी बर्जस्ता जो बोला बस इसलिए ताकि तुम्हारी आंखों के आंसू थम जाए, इसलिए मैं सखावत और कंजूसी की तरफ लेके आ गया। और जितने भी बैठे हैं सबका कोई ना कोई दोस्त होता है, और इमाम का फरमान है कि किसी को अगर देखना है कि इंसान का किरदार कैसा है तो उसके दोस्तों से पता लगाइए, अगर दोस्त अच्छे हैं तो वो भी साहेब किरदार, अगर दोस्त अच्छे नहीं है और किसी को देखना है कोई ज्यादा ही साहेब किरदार है तो ये देखिए कि उसके दोस्त कितने हैं, जितने ज्यादा दोस्त हैं वो उतना ही अच्छा है। मुनाफिकों के भी दोस्त ज्यादा होते हैं लेकिन दोस्तों से पता लगेगा कि दोस्त। अब यही सुनिए, खौल मासूम है वो शख्स यकीनन है गरीब, भरे संसार में जिसको न मयसर हो माहौल बनाइए, ताकि मैं कुछ और पढ़ सकूं, बच्चों ने फरमाइश की। कौल ए भाई कौल मासूम है वो शख्स, अब ये माहौल तोड़ना है ताकि इनके चेहरों पे फिर से हंसी आ जाए। जनाब अली असर के सदके में एक कलाम पेश करना है, बच्चों की फरमाइश है ताकि वहां तक पहुंचो। एक पैगाम सुन लीजिए, खून के रिश्तों से ये रिश्ता है कोई कम भी नहीं, दोस्त अच्छे हो तो दुनिया का कोई गम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्तों के बिना रंगी कोई मौसम भी नहीं, दोस्ती जैसा कोई दूसरा मरहम भी नहीं, फतवे मुफ्ती के भी कदमों में पड़े होते हैं, दोस्त जब मातमी हलकों में खड़े होते हैं। ऐसे बन जाएं आजादार आजादार के दोस्त, जैसे मिकदाद मदीने में थे अम्मार के दोस्त, जैसे मुख्तार रहे मी समय तम्मार के दोस्त, खुद हबीब इब्ने मज़ाहिर शहे अबरार के दोस्त, इस तरह हक रिफाकत को अदा करके गए, एक जहां शाह पे दो बार फिदा करके गए। इख्तिलाफात की शियत में कभी बात ना हो, इख्तिलाफात की शियत में कभी बात ना हो, इख्तिलाफात की शियत में कभी बात ना हो, मुत्तहिद हो के रहो कोई खुराफात ना हो। इख्तिलाफात की शिकत में कभी बात ना हो, मुत्तहिद हो के रहो कोई खुराफात ना हो, दिन की तहरीक में मखलूत कभी रात ना हो, मकसद सिप्त पैगंबर की कभी मात ना हो। अरे रोजे महशर न ये हो जाए सवाले जहरा, मेरे अपनों ने ही रखा ना ख्याले जहरा। अली वली है वसी है अली इमाम भी है, अली सखी है जरी है अली इजाम भी है, अली का नाम मिटाने की बात करते हो, अली के नाम से बाकी खुदा का नाम भी है, रफी को गर्दिश लेलो नहार शम्स कमर, अली के हाथ में कुदरत का सब निजाम भी है, ये कोहे दूर गवाह है कि तूर सीना का, अली कलीम है कलमा है और कलाम भी है, फजीलतों का अली से किया गया आगाज, फजीलतों का अली पर ही इख्तिताम भी है, वो जिसके दिल में नहीं है विलायत हैदर, नमक हराम ही थोड़ी नसब हराम।